नमस्कार, मैं आमना दाऊद और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले देश विदेश की खबरों पर एक नजर। कोरोना वायरस की वजह से पीएम मोदी का बांग्लादेश दौरा रद्द। इटली में करोड़ों लोग घरों में कैद। अफगानिस्तान में प्रांतीय परिषद के सदस्य समेत 3 की हत्या। तालिबानी शासन के फिर से लौटने का डर। मलेशिया में नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति में शाही तख्ता पलट से इनकार। शाहीनबाग में प्रदर्शनकारियों को भड़का रहा आतंकी दंपत्ति गिरफ्तार। आत्मघाती हमले की थी योजना। यस बैंक मामले में राणा कपूर के परिवार पर कसा ईडी का शिकंजा। देर रात पति और बेटी से पूछताछ। लखनऊ हिंसा में कोर्ट ने पूछा किस कानून के तहत लगवाए सार्वजनिक पोस्टर। फैसला आज। बिहार में महिला सीएम उम्मीदवार की एंट्री। अखबारों में छाई लंदन की रहने वाली जेडीयू नेता की बेटी। बिहार में राज्यसभा सीट को लेकर महागठबंधन में तकरार। गोयल ने तेजस्वी को याद दिलाया वादा। 492 साल बाद रामनवमी को दर्शन देंगे रामलला। दरबार में दोपहर को लगेगी हाजिरी। नौकरी का झांसा देने वाली लालू और रामविलास पासवान की कथित महिला रिश्तेदार बरी। अब रुक करते हैं खेल जगत की बड़ी खबरों पर। दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। पांड्या, भूवी, धवन की वापसी। रोहित बाहर। चैंपियन बनने का सपना टूटा। हार के बाद हरमनप्रीत बोली, हमसे हो गई कुछ गलतियां। तमीम इकबाल बने बांग्लादेश वनडे टीम के नए कप्तान। पूरे टूर्नामेंट में छाई रही 16 साल की शेफाली। फाइनल में हार के बाद छलके आंसू। भारतीय बैडमिंटन टीम के युगल कोच लिम्पेल ने दिया इस्तीफा। पारिवारिक कारणों से छोड़ा पद। अब नजर डालते हैं मनोरंजन जगत की बड़ी खबरों पर। सौतेली माँ के टैग से परेशान हुई करीना कपूर। बोली, लोग अब भी मुझे ऐसा कहते हैं। होली के हंगामे के बीच अवध पहुंचे कार्तिक। जयपुर के बाद अब लखनऊ में होगी भूल भुलैया 2 की शूटिंग। खास मुलाकात में बोले अंग्रेजी मीडियम के निर्देशक होमी, मुस्कान से बड़ा तोहफा दूसरा कोई नहीं। अक्षय ने फैंस को दी कोरोना वायरस से बचने की सलाह। पीएम मोदी के उपायों को दिलाया याद। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।